हेलो गाइस, स्वागत है आपका नेहा स्वीट किचन में। हम आपके लेके आए हैं बहुत स्पेशल शाम जो समा चावल होता है, शाम क्या बोलो, उसकी खीर हम आपके लेके आए हैं। बहुत ही यमी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया, टोटली ऑप्शनल है। मैंने पहले ले लिया 1 किलो दूध, आधी कटोरी से थोड़ा सा ऊपर मैंने यहाँ पर ले लिया समा चावल। चलिए इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी, ड्राई फ्रूट रोस्ट करने के लिए। घी जो अपना अच्छे से मेल्ट हो गया है, हम इसमें डाल देते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स। ये हम ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे हम अच्छे से। चलिए गाइस, यहाँ पर ले लिया मैंने 1 किलो जितना दूध। हमने सेम कढ़ाई का यूज़ किया है, ड्राई फ्रूट रोस्ट किया था हमने, उसी में मैं डाल दूँ उसी के साथ। ये हमारी जो इलायची है टेस्ट के लिए, आप चाहें आप अगर लाइक करें तो डालें, ना लाइक करें तो मैं ना लें। इसका जो टेस्ट है इसमें मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए मैं पहले इसमें डालती हूँ, आप चाहें तो लास्ट में इसमें डाल सकते हैं। चलिए हमने चावल को भी अच्छे से वॉश कर लिया है, हम इसके अंदर डाल देंगे शाम किया है कह लो या फिर समा चावल जो भी है, हमने जैसे वॉश कर लिया है वो इसके अंदर हमने डाल दिया है। चलाते रहेंगे ना बैठे, इसकी खीर जो होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस टाइम पर इलायची डालने से जो है इसका फ्लेवर अच्छे से इसमें उभर कर आता है, जो मुझे बड़ा पसंद आता है। आप ये तो डाल, चलिए हम डाल देते हैं इसमें चीनी। अपना चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर से मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच फ्रेश मलाई, बिल्कुल फ्रेश है ये, पहले की रखी हुई आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है इसमें। उसके अंदर मिक्स कर देंगे, इससे भी जो इसका टेस्ट है वो अच्छे से रिच आएगा। इसी के साथ डाल रही हूँ मैं, और इसके टेस्ट को रिच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए 8 से 10 काजू, उनको अच्छे से मैंने इस तरीके से कूट लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा मिक्सी में, मैंने कूट कर लिया है उनको। जो टेस्ट आएगा वो मुँह में बहुत ही अच्छे वाला टेस्ट आएगा, और इसको मैं अब ढककर पकाऊंगी। चलिए देखिए हमारी जो खीर है वो अच्छे से बन चुकी है, आपको ऐसे पता ना लगे तो आप इस तरीके से थोड़ा सा चम्मच कर ले, वो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इस तरीके से उंगली पर चेक करें अच्छे से, ये हमारे अच्छे से पक चुकी है। उनको थोड़ा सा ढक देंगे, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे इसके अंदर। चलिए हम सर्व कर लेंगे, ये देख सकते हैं कितनी थिक और मलाईदार खीर बनकर तैयार हुई है, बहुत यम्मी वाली। फ्लेवर तो और खुशबू तो आप पूछे ही मत, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। मेरा पूरा किचन महक रहा है इलायची की खुशबू से, इसकी खीर की खुशबू से। बिना वर्त के भी मेरे घर वाले इसको बहुत पसंद करते हैं, और वर्त में तो एक्चुअली मैं इसको बहुत ज़्यादा बनाती हूँ इसलिए। देखिए हमारी जो खीर है वो कहीं अच्छे से थिक और मनगर तैयार हुई है, हम इसमें डाल देते हैं अच्छे से ड्राई फ्रूट्स ढेर सारे। चलिए हम फिर डाल देते हैं ढेर सारे, इन्जॉय करें हम मेरे रेसिपीज़ को, बहुत ही यम्मी लगती है ये खीर। और ज़रूर बताइए मुझे कमेंट में कि कैसी बनी थी, और चलिए इन्जॉय करें, और नवरात्रि में आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।